सुधाकर जी, चंद्रशेखर जी, सुरेंद्र यादव जी, आलोक मेहता जी, दर्जनों वहाँ नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री और राज्य और देश के खिलाफ आपत्तिजनक बयान करते रहते हैं। राजद के सह पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जाएगा। महागठबंधन की सरकार में मंत्री रह चुके सुधाकर सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है। मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कई ऐसी बातों को कह दिया है जिससे अब एक बार फिर से राजनीति सियासत गरमाने की आशंका बनी हुई है। इस पूरे मामले पर जब मैंने बीजेपी प्रवक्ता से बात किया तो उन्होंने साफ क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, आइए सुनाते हैं। देखिए, सुधाकर जी, चंद्रशेखर जी, सुरेंद्र यादव जी, आलोक मेहता जी, दर्जनों वहाँ नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री और राज्य और देश के खिलाफ आपत्तिजनक बयान करते रहते हैं, बार बार मुख्यमंत्री को अपमानित शब्दों से भी सम्मानित करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, बड़ा आश्चर्यजनक है। जदयू के नेता लगातार मांग करते हैं लेकिन तेजस्वी यादव कुछ स्पष्ट नहीं करते, न कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से राजद के सह पर उन्हें अपमानित किया जा रहा है और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए भी दबाव बनाया जाएगा। लेकिन उनके जवाब दिए हुए लगभग एक सप्ताह से अधिक का समय हो गया, तो ऐसे में क्या लगता है कहीं ना कहीं उनके बचाव में कहीं प्रदेश अध्यक्ष भी तो शामिल हो गए? देखिए, कहा ना, पूरी राजद मुख्यमंत्री से चाहता है कि वो अपना पद छोड़ करके देश घूमे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावे, जैसा कि जगता बाबू भी बोल चुके हैं, शिवानंद तिवारी और कई एक नेता। तो हमें लगता है कि राजद के सह पर मुख्यमंत्री को अपमानित किया जा रहा है और मुख्यमंत्री अभी बेबस और लाचार है, इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और न इस पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि विनोद शर्मा ने कहा है कि ये जो सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयानबाजी उनकी अपनी बयानबाजी नहीं है और इसमें राजद के तमाम नेतागण शामिल हैं और उनके सह पर ही सुधाकर सिंह के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है, जबकि सुधाकर सिंह पर राजद के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिस के जवाब देने के बावजूद भी अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है और एक बार फिर से सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को इतना तक कह दिया कि ऐसे नेता जो बिना जीते ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ऐसे ऐसे नेताओं को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब देखना यह है कि जिस तरह से राजद के द्वारा सुधाकर सिंह को नोटिस दिया गया था और नोटिस के जवाब के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार फिर से सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला किया है, तो अब देखना यह है कि क्या राजद इस पूरे मामले में अब कब कार्रवाई करती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, IBTV पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।